नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। राज्य के सदर अस्पताल से दवा चोरी के मामले की जांच शुरू हो गई है। मामले की जांच को लेकर सोमवार को लोअर बाजार थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। पुलिस टीम का नेतृत्व इस सिटी डीएसपी दीपक कुमार कर रहे थे, साथ ही थाना प्रभारी संजय कुमार समेत थाना के अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि कोरोना काल में रांची के बाजार में नकली दवाओं को बड़े पैमाने पर खपाया गया। सूचना मिलने पर ड्रग कंट्रोलर ने छापेमारी करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए की दवाओं से भरे 8 गोदामों को सील कर दिया था। दवा के जब्त नमूने को सदर अस्पताल परिसर के ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय में रखा गया था, लेकिन असली और नकली दवाओं की पहचान से पहले ही शुक्रवार को दवा चोरी हो गई। मामले को लेकर लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिटी डीएसपी दीपक कुमार ने कहा है कि लोअर बाजार थाना अंतर्गत सदर अस्पताल के ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय से दवाओं के सैंपल की चोरी हुई है। इस मामले में लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। सभी संभावित बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है, यानी जांच की जा रही है। ड्रग एंड फूड कंट्रोल कार्यालय के क्लर्क संदीप ने बताया कि कार्यालय में शुक्रवार को चोरी हुई है। इसमें चोर ने दवा के सैंपल की चोरी की है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यालय के कर्मचारी जब पहुंचे तब देखा एक कमरे में रखा हुआ सारा सामान अस्त व्यस्त है। इसके बाद लोअर बाजार थाना में FIR दर्ज की गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।